हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब हो? आप बच्चों के आज मैं आपके साथ देसी चिकन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ इसको। और ये मेरा देसी चिकन है, ये मेरा 1 kg से ज़्यादा है, 1.5 kg है। और ये मेरी 7-8 प्याज हैं, इसको मैं कट करके रख दिया है। ये मैं देसी घी में चिकन बनाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें ऑयल गर्म करके अब मैं उसमें देसी घी डाल रही हूँ। ये मेरा घी गर्म हो चुका है, इसमें मैं अब प्याज फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। ये चिकन है, अब मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी नमक के साथ। मैंने 1/2 teaspoon नमक लिया है। और ये हमारी अनियन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम अपना चिकन फ्राई करने के लिए डालते हैं। ये मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी में देसी चिकन ही बना जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। देखिए मेरा चिकन अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही में इसको हम थोड़ी देर भून देंगे। दही हमारा 1 cup के आसपास है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 teaspoon, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको भूनूंगी। ये मेरा चिकन भून चुका है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। मैं इसमें मसाले डालूंगी, जो हमने प्याज फ्राई किए थे, जो मसाले लिए थे वो डाल दूंगी। इसे ये हमारा 1 चम्मच पूरा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारी हल्दी है 1.5 चम्मच के आसपास। नमक हमने मैरिनेशन में डाला था, इस हिसाब से डालिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल दूंगी। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये मेरा मसाला एकदम भून चुका है, और इसमें दूध डालेंगे अपना चिकन का जो फ्राई किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमें चिकन को भी भूनना है मसाले में, पानी ऐड करके चिकन को अच्छे से भूनेंगे। हमारा चिकन हो चुका है, हम इसमें धनिया डालेंगे।